लगातार दो हार के बाद धोनी ने किया बड़ा बदलाव। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल होंगे ये तीन खतरनाक खिलाड़ी। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आईपीएल 2023 से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला जाएगा। ये मुकाबला लखनऊ में ही खेला जाएगा जो कि दोपहर 3:30 पर शुरू होगा। अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो लगातार दो मुकाबलों में हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी है तो आने वाले हर एक मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अभी तक खेले गए अपने 9 मुकाबलों में से 5 मुकाबलों में जीत हासिल की है तो वहीं 4 मुकाबलों में हार मिली है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में 4th स्थान पर मौजूद है। दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अभी तक खेले गए अपने 8 मुकाबलों में से 5 मुकाबलों में जीत हासिल की है तो वहीं 3 मुकाबलों में हार मिली है। पॉइंट्स टेबल में 3rd स्थान पर मौजूद है और प्लेऑफ की तरफ मजबूती के साथ बढ़ रही है। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच ये मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है क्योंकि दोनों ही टीमों के पास कई विस्फोटक बल्लेबाज हैं और कई ऐसे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं जो अपने दम पर टीम को जीत दिला सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को अपने पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 200 रन बनाए थे। इस लक्ष्य को पंजाब किंग्स की टीम ने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। आपको बता दें पंजाब किंग्स के मात्र 6 विकेट ही गिरे थे और 4 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। पंजाब किंग्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स को मिली हार की सबसे बड़ी वजह रही कमजोर गेंदबाजी। चेन्नई सुपर किंग्स की कमजोर गेंदबाजी की वजह से ही अभी तक हार का सामना करना पड़ा है। अब यहां से चेन्नई सुपर किंग्स को अगर प्लेऑफ में पहुंचना है तो अपनी गेंदबाजी पर काम करना होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में हमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में 3 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तेज गेंदबाज आकाश सिंह प्लेइंग 11 से बाहर होंगे, वो लगातार महंगे साबित हो रहे हैं। आकाश सिंह की जगह प्लेइंग 11 में राजवर्धन हंगरगेकर को शामिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ तुषार देशपांडे की बात करें तो तुषार देशपांडे को विकेट भले ही मिल रहे हों लेकिन वो भी जमकर रन लुटा रहे हैं। तुषार देशपांडे की जगह प्लेइंग 11 में दीपक चाहर की वापसी हो सकती है। दीपक चाहर पिछले कुछ मुकाबलों से नहीं खेले हैं क्योंकि उन्हें चोट लगी थी लेकिन अब वो पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं और प्लेइंग 11 में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अंबाती रायडू की बात करें तो अंबाती रायडू भी अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। बतौर बल्लेबाज वो बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। अंबाती रायडू की जगह सुब्रांशु सेनापति टीम में शामिल हो सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, मोइन अली, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, राजवर्धन हंगरगेकर, दीपक चाहर, महेश तीक्ष्णा और मथीसा पथिराना को मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में क्या क्या बदलाव होने चाहिए? क्या चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस बार प्ले ऑफ में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।